साइड में, बाय बैलेंस सीडी, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। तो कैश इन हैंड जो है वो है 350 और कैश एट बैंक है 590। अच्छा, सबसे पहले देखो क्या था हम लोग का, सबसे पहले था एंट्रेंस फीस। तो एंट्रेंस फीस रिसिप्ट है तो हम लोग क्या लिखेंगे, टू एंट्रेंस फीस, क्योंकि कैश बुक की तरह होता है ना। कैश बुक में क्या होता है, कैश बुक अकाउंट डेबिट पैसा आने से टू, जिस वे से आया है, जिस थ्रू से आया है। और जब पेमेंट होता है हम लोग क्या लिखते हैं, मान लो सैलरी है, सैलरी एंड वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। उसी तरह से यहाँ कैश लिखना नहीं है, लिखना है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, टू एंट्रेंस फीस। अब इसका अमाउंट लिख देंगे ₹300। अब उसके बाद है टू मेंबरशिप फीस, इसका अमाउंट है 3000। अच्छा, हम यहाँ रुपीस रुपीस लिख दिए, यहाँ लिखने का जरूरत नहीं होता है, यहाँ रुपीस लिखो फिर तो ये हो जाएगा अमाउंट का प्रॉब्लम है, यहाँ गलती से लिख दी। नेक्स्ट है डोनेशन, टू डोनेशन, क्योंकि ये रिसीव पेमेंट अकाउंट है तो यहाँ नहीं देखना है कि हम लोग का इनफ्लो के किस पर्पज पे था, फिक्स्ड एसेट खरीदने के लिए था या फिर रेवेन्यू कुछ भी पर्पज के लिए था। यहाँ हम लोग सारा इनफ्लो होगा तो रिसिप्ट साइड में, आउटफ्लो होगा तो पेमेंट साइड में। टू डोनेशन फॉर क्लब पेविलियन, अमाउंट हो गया 10,000। बार बार हम रुपीज देते फूड स्टफ सेल्स है। अच्छा, फूड स्टफ जो सेल हो रहा है इसका अमाउंट पैसा आएगा तो टू फूड स्टफ सेल्स, इसका अमाउंट है हम लोग का 1200। नेक्स्ट है सैलरी एंड वेजेस, तो ये पेमेंट करना पड़ेगा पेमेंट साइड में, तो बाई हो जाएगा, बाई सैलरीज एंड वेजेस, सैलरी एंड वेजेस इसका अमाउंट है 1200। ओके, तो नेक्स्ट है परचेज ऑफ फूड स्टफ, तो ये भी हम लोग का पेमेंट हो जाएगा। परचेज किया हम लोगों ने, परचेज ऑफ फूड स्टफ नेक्स्ट बोला है कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लब पेविलियन, क्लब बनवा रहे तो ये भी खर्चा है, बाय कंस्ट्रक्शन एक्सपेंडिचर हम लोग लिख सकते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या खर्चा हुआ अभी तक, शायद 11,000 था, देख लेते हैं। अच्छा, उसके बाद था जनरल एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस का अमाउंट है 600, रेंट एंड टैक्सेस है 400, रेंट एंड टैक्सेस 400, बैंक चार्जेस है तो ये भी एक्सपेंस है 160, बाय बैंक चार्जेस 160, और ये दोनों टोटल करके आउटर कॉलम में भेज देते हैं, 590 प्लस 350 हो गया 04940। अब ये टोटल करना हम लोग को देखना है किधर आ रहा है हम लोग का बैलेंस, बैलेंस तो आया नहीं, बैलेंस आएगा, बैलेंस तो क्या हुआ, टैली हो जाना चाहिए क्योंकि ओपनिंग पे हमें दिया हुआ है और क्लोजिंग में दिया हुआ है, तो फिर बैलेंस तो होगा नहीं। ठीक है, ये दोनों टैली हो जाना चाहिए कि हम लोग के पास पहले 200 था, 400 था, 600 ये पिछले साल का था तभी ब्रॉट डाउन हुआ, इस बार हम लोगों को कितना मिला 300, तो 600 और 300 कितना हो गया 900 और यहाँ पर 1200 तो हो गया 10,200 हो जाएगा, नहीं सॉरी मेरा टोटल गलत हो गया क्या, 10,400, 200, 600 और 300, 900 और यहाँ पर 10,000, 13,000, 14,200 और 900,
15,100 और यहाँ पर भी देख लो शायद 15,100 ही होगा, चेक कर लेते हैं हम। 15,100 ही होगा, 1200 और 800, 2000, 2000 और 11000, 12, 13, 14000, 14000 और 15000, 14000, 4, 6, 10, 1000, 12, 13000, 13000, 14, 15000, 15000, 1100, 1200, 800, 1100, 1160, 1170, 1180, 1190, 2011 और 2 13, 13000 और 14000, 14000, 14000 और ये हो गया 15,100, सही है 15,100। तो ये बन गया हम लोग का रिसिप्ट एंड पेमेंट रखा, जहाँ पर हम लोग को सिर्फ कैश का इनफ्लो आउटफ्लो चेक करना है। इनफ्लो होगा तो हम लोग को रिसिप्ट साइड में लिखना है, आउटफ्लो होगा तो हम लोग को पेमेंट साइड में लिखना है। यहाँ पर हम लोग को ये देखना नहीं है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, या फिर कैपिटल इनकम है, या फिर रेवेन्यू इनकम है।